हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी और न्यूज ऑन एआर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पे पावर कट होने की वजह से काफ़ी कुछ दिक्कत हुई है आज के लेक्चर बनाने में। लैपटॉप वगैरह भी कुछ चार्ज वगैरह नहीं था, तो मैंने कुछ कंटेंट कलेक्ट किया है, एक्चुअली स्लाइड की फॉर्म में है, तो सारा कंटेंट में भी आपको थोड़ा पसंद आएगा, क्योंकि आज आपको हैंड रिटन नोट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो देखते हैं, हमारी पहली जो डिस्कशन का आज का टॉपिक है वो है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्डस अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में, मतलब RIMES के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। कंटेक्स्ट देखो ये है कि उड़ीसा गवर्नमेंट है, उसने एक MOU साइन किया है RIMES के साथ। क्या MOU में क्या बातें हैं वो हम देखते हैं। देखो, उड़ीसा की डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसने RIMES के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है, उसका मतलब मेन मोटो आपको बताऊं तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि देखो, जब भी कहीं भी कोई डिजास्टर, कोई आपदा आती है, तो उस कंडीशन में RIMES वो है एक्चुअली उड़ीसा की हेल्प वो करेगा। तो इसके बारे में, इसके साथ ही जो सेंडाई फ्रेमवर्क था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, उसमें भी काफ़ी हेल्प है ये RIMES वो करने वाला है। तो RIMES है क्या उसे देख लेते हैं। RIMES का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्डस अर्ली वार्निंग सिस्टम है। यह एक तरीके का एक सिस्टम है जो कि UN का एक, आप बोल सकते हो कि इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है, इसके साथ ही UN में रजिस्टर्ड है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हाँ भाई, UN का इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है और UN के साथ रजिस्टर्ड है, ये चीज़ होगी क्लियर। काम क्या है इसका, इसका काम ये है कि जब भी देखो कहीं डिजास्टर आता है, कोई सुनामी वगैरह कुछ भी आती हो, तो उसके लिए अलर्ट करना, वार्निंग वगैरह देना, इस तरीके के जो वार्निंग प्रोग्राम है ये सारे इसके द्वारा कंडक्ट है वो किए जाते हैं। तो कि आप बोल सकते हो कि सिस्टम हो गया एक तरह का, जो कि कहीं भी वेदर वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी हो, या फिर आप बोल सकते हो अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आ रही है, या फिर किसी भी तरह की अलर्ट वगैरह करनी हो कोई भी, मतलब आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट संबंधी कुछ भी ऐसा कुछ हुआ सडनली, जैसे कि काफ़ी तेज़ बारिश आने वाली है, इस बार सूखा वगैरह, तो किसी भी तरह की ओशियन में सुनामी वगैरह कुछ भी इशू हो, उसके बारे में वार्निंग करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, एक तरीके का वो है बनाया गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। UN के साथ ये मिलकर ऑब्वियसली काम करता है, ये यहाँ पे बेसिक फीचर हमारे क्लियर हो जाते हैं। और बाकी वर्ल्ड की जो और भी कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर, एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम है वो करता है। तो इसी के तहत, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया का जो उड़ीसा स्टेट है उसको आपको पता है कि कोस्टली एरिया उसको टच करता है, और इसीलिए उन्होंने RIMES के साथ एक MOU साइन किया कि हाँ भाई ठीक है, हम आपसे डाटा शेयर करेंगे और आप भी हमें डाटा वगैरह दीजिए, ताकि जो भी एक्यूरेसी वगैरह वेदर के बारे में वो हम लोगों तक सही पहुँचा सकें, और जब भी कभी फ्यूचर में कोई सुनामी वगैरह आए तो उससे हम ईजिली हैं निपट सकें, उसके लिए सारा काम धाम है वो किया गया है। देखते हैं बाकी। अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है रामानुजा के बारे में। न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। न्यूज़ ये है कि अभी रामानुजा का नया, बोल सकते हो कि नई मूर्ति है, नया स्टेचू वो बनाए जा रहे हैं हैदराबाद में, जो कि विश्व का सबसे सेकंड लंबा होगा। इससे पहले जो बोलोगे विश्व का सबसे लंबा जो स्टेचू है वो एक्चुअली थाईलैंड में है, ग्रेट बुद्धा का, मतलब सबसे लंबा स्टेचू अभी तक बुद्धा का है थाईलैंड में है, जो कि 302 फीट हाइट का है। हाइट वगैरह याद नहीं रखनी है, बट थोड़ा कंटेक्स्ट आप देख लेना कि रामानुजम की जो मूर्ति है इंडिया में बनाई जा रही है हैदराबाद में, जो कि विश्व की सेकंड हाईएस्ट नंबर की होने वाली है। बस ये तो है कंटेक्स्ट। अब बात ऐसी होती है कि भाई कंटेक्स्ट तो कोई बात नहीं, ठीक है जैसा भी है बहुत बढ़िया है। हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इनके बारे में हम जान लें, रामानुजाचार्य के बारे में कि सीन है क्या रामानुजा के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर यहीं पे UPSC पूछ सकती है। सबसे पहली बात यह है कि हिंदू थियोलॉजी के लिए चीज़ हमें ध्यान रखनी है, फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्र थे, कोई बात नहीं, ये भी चीज़ हमारे लिए याद हो जाता है। इसके साथ ही अहम बात है कि हिंदुज़म को रिप्रेजेंट करते थे, तो ये चीज़ें क्लियर रखनी है कि हाँ भाई हिंदुज़म से बिलोंग करते थे। आप बोल सकते हो कि फिलोसफिकल फाउंडेशन भी थे, इसके साथ ही डिवोटिज्म है उसको भी ये सपोर्ट कर रहे थे, और सबसे अहम बात क्या है, भक्ति मूवमेंट में इनका काफ़ी अहम रोल था। और जो चीज़ आपको यहाँ पे याद करनी है वो बात है इनके टेक्स्ट, जो इनकी बुक्स वगैरह जो इन्होंने कुछ लिखा है, इनके द्वारा जो लिखी हुई बुक्स या बोल सकते हो ग्रंथ वगैरह हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। UPSC यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करवाती है, तो ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इनके द्वारा एक तो भाष्य लिखे गए थे, आपको पता है, तो भाष्य चीज़ याद रखने, किसने लिखे थे, रामानुजाचार्य ने। किसके पे लिखे थे, एक तो ब्रह्म सूत्र, वेदों में जैसे हमने पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर की बुक में, तो वहाँ पे जो ब्रह्म सूत्र थे उनमें जो भाष्य लिखे गए थे ब्रह्म सूत्र के ऊपर, वो रामानुजाचार्य ने लिखे थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही भागवत गीता है, उसका संस्कृत में जो लिखाई का काम किया गया था वो किया गया था इन्हीं के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भागवत गीता हुई या फिर जो ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखे गए थे वो सारे रामानुजाचार्य के द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही वेदांतों की जो सब स्कूल थी, विश्वविद्यालय था, इसको भी एक्चुअली इन्होंने सपोर्ट किया, इसको भी इन्होंने बोल सकते हो कि चीफ प्रोपोनेंट है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखने लायक, वो यही है कि ब्रह्म सूत्र पे इन्होंने भाष्य लिखे थे और भागवत गीता को उन्होंने संस्कृत में अनुवाद है, या बोल सकते हो कि संस्कृत में लिखा, वो चीज़ें आपको यहाँ पे याद है रखनी है, क्योंकि यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है।
नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में। तो क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में कंटेक्स्ट वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि देखो भाई, इंडिया की एक और सिटी आप बोल सकते हो, एक और साइट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो गई है। तो अभी कुल मिला के देखा जाए तो इंडिया में 37 वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट हैं वो हो चुकी हैं। तो ये हमारे लिए कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। यह एक्चुअली मुंबई में विक्टोरियन गोथिक था, वो है एक्चुअली, मतलब मुंबई का जो विक्टोरियन गोथिक था उसे एक्चुअली अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। इंडिया की 37th नंबर की ये साइट हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इंडिया की नई साइट कौन सी बनी रिसेंटली, है कहाँ पे, मुंबई में, नाम क्या है, विक्टोरियन गोथिक। बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बेसिक फैक्ट है वो हो जाता है। अब चलते हैं हम आगे इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। अब पहली बात ये आती है कि भाई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या। देखो आपको जैसे पता है कि यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आप बोल सकते हो कि कल्चरल तरीके से इंपॉर्टेंट हो या फिर किसी और तरीके से, उस साइट को एक्चुअली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा है वो दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बात करें इंडिया की तो इंडिया में ओवरऑल टोटल देखा जाए तो 37th वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं। इसके साथ इनके 37 में है कैसे कैसे वो भी देख लेते हैं। 29 तो इसमें कल्चरल साइट हैं, 7 है वो नेचुरल साइट हैं और 1 है वो मिक्स हेरिटेज साइट है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि एक जो मिक्स हेरिटेज साइट है वो कौन सी है, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आगे बात करते हैं, आपको पता है जैसे कि मुंबई थी वो अभी सेकंड सिटी हो गई है, देखा किस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया की कौन सी सिटी शामिल की गई थी, वो थी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की सिटी थी, दूसरे नंबर पर आ गई हमारी मुंबई। तो ये चीज़ एक फैक्ट हो गया है। अगले जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, हाँ ये भी थोड़ा फैक्ट याद कर सकते हो कि देखा जाए तो एशिया के एरिया में अगर हम कंपेयर करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दूसरे नंबर पे इंडिया में। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो 6 नंबर पे इंडिया आता है जिसमें हेरिटेज साइट के नंबर में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट नंबर पे एशिया के मामले में चाइना है, दूसरे नंबर पे एशिया के अंदर इंडिया आता है हेरिटेज साइट के मामले में, और ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे छठे नंबर पे आता है हमारा प्यारा इंडिया। चलते हैं आगे। अगले जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, किस किस को दर्जा दिया जाता है। तो या तो देखो कि उसकी नेचुरल इंपॉर्टेंस हो, या फिर आप बोल सकते हो कि मैन मेड एरिया, कुछ ऐसी स्पेशल डिज़ाइन, कुछ ऐसा बोल सकते हो कि काफ़ी मतलब एक लिमिटेड एडिशन आप इसे बोल सकते हो, या फिर कोई ऐसी स्ट्रक्चर वगैरह बनाई हुई हो जो कि इंटरनेशनल वैल्यू वगैरह के लिए जानी जाती है, जैसे कि ताजमहल की एक अलग से ही वैल्यू है तो वो चीज़ होगी। तो ऐसी चीज़ों को एक्चुअली जहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, मतलब आप बोल सकते हो कि रेयर एंड रेयर वाली चीज़ें दुर्लभ है, इतनी आसानी से वैसी डिज़ाइन कहीं नहीं मिल सकती, तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करता है ताकि उसको प्रोटेक्शन वगैरह दी जा सके और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी थोड़ी वैल्यू बनाई जा सके। ये सारे काम किए जाते हैं इसके द्वारा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यूएन की स्पेशल एजेंसी है यूनेस्को, उसके द्वारा ये सारे काम है वो किए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही 18 अप्रैल है वो वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से जाना जाता है, जो कि 1983 से यूनेस्को की जो यूनेस्को था उसके द्वारा अप्रूवल है वो दिया गया था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हमारी अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि इंडिया है वो अभी अग्नि 5 मिसाइल है उसमें न्यूक्लियर वेपन डाल के उसका परीक्षण करने के लिए जा रहा है, मतलब जिसमें न्यूक्लियर वेपन का यूज़ है वो किया जाएगा, उसका परीक्षण वगैरह की बात है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं अग्नि सीरीज़ की मिसाइलें, तो ये हमें ध्यान रखनी है। देखो इंडिया का एक प्रोग्राम था, उसका नाम आपको बताना है, जिसके अंतर्गत इंडिया ने स्वदेशी या डोमेस्टिक आप बोल सकते हो कि इंडिजनस जो मिसाइल थी वो बनाना शुरू किया था। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन हो जाता है जो कि लगभग आया था 1984 के आसपास आया था, आपको बता दूँ उसका नाम क्या है वो बताता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। वो उसके तहत ही अग्नि मिसाइल वो बनाई गई थी। इसके तहत कौन कौन सी मिसाइल बनाई गई थी वो भी आपको याद होना चाहिए, नहीं हम बिल्कुल उसके बारे में भी डिस्कस है वो करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार देखो वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं तो आई होप आपको वो याद होनी चाहिए। तो कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इंडिया अग्नि 5 का भी न्यूक्लियर जो एडिशन है उसको भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि टेस्ट है वो कर रहा है। ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे कंटेक्स्ट हो गई। अब बात करते हैं हम अग्नि 5 मिसाइल की। तो सबसे बड़ी बात यह कि अग्नि 5 है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट ये रखना है कि सबसे लंबी है, रेंज क्या है इसकी 5000 किलोमीटर, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला वो कर सकते हैं। तो एक तो फीचर ये हो गया, हाईएस्ट सबसे लंबी दूरी तक यही फिर जाती है, ये चीज़ हो गई। सरफेस टू सरफेस मतलब सरफेस से छोड़ी जाएगी और सरफेस पे जाके नुकसान पहुंचाने वाली है, जैसे कि ये मान लो सरफेस है जमीन अर्थ है हमारी, और एक सेकंड यहाँ से मिसाइल छोड़ी तो ऐसे जाके ऐसे यहाँ गिर जाएगी, तो सरफेस से छोड़ी और सरफेस पे गिरेगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ से छोड़ी और स्पेस के मतलब हवा वगैरह में किसी को मारने के लिए, नहीं है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, न्यूक्लियर वारहेड लेके जाएगी, ठीक है 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो ये हो गए बेसिक फीचर, ओब्वियसली स्वदेशी इंडिजिनस डेवलप है की गई है, बहुत बढ़िया बात है।
अब करते हैं अग्नि की जो बाकी सीरीज है वो, अग्नि की जो बाकी सीरीज है उनकी एक बार हम रेंज देख लेते हैं। अग्नि फर्स्ट है वो है 700 किलोमीटर की, सबसे कम रेंज है अग्नि फर्स्ट की। अग्नि सेकंड है उसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, और अग्नि थर्ड और फोर्थ है इनकी रेंज है 2500 से 3500 किलोमीटर के बीच में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सबसे लंबी रेंज है वो यही है अग्नि फाइव की, तो वो हमने अभी इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो रेंज थोड़ी ध्यान रखना, यूपीएससी की बार इसके बारे में पूछ सकती है। अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है हब्बल टेलीस्कोप के बारे में, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि हब्बल टेलीस्कोप है क्या, क्या किसने क्या वगैरह, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, कंटेक्स्ट इसका कुछ खास नहीं था। हब्बल टेलीस्कोप है वो लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है, ये चीज़ हमें ध्यान रख लिया। अब बनाया किसने था, ये नासा ने बनाया था एक्चुअली 1990 में इसको, बट अकेले नासा नहीं था, यहाँ पे नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, उन दोनों ने मिलकर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि भाई ओनली नासा या नासा के साथ कोई और भी था, तो ये अकेले नासा साहब नहीं थे, यहाँ पे नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, उन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। 1990 में इसे लॉन्च वो किया गया था, और एक ऐसा सिंगल टेलीस्कोप है जो कि जो एस्ट्रोनॉमी जो जाते हैं अर्थ की स्पेस में उनके लिए काम है वो करता है, उनके द्वारा छोड़ा गया था उनकी सर्विस के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि छोड़ा गया था 1990 में बना था, मतलब रिसेंटली की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है हमारी AMCDRR के बारे में, एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन 2018। देखो नाम से थोड़ा पता चल रहा है कि एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मतलब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन के लिए 2018 में। हुई कहाँ पे थी, ये हुई थी मंगोलिया में, एक जगह है जिसका नाम है उलान बातुर। तो उलान बातुर एक जगह है मंगोलिया में, मंगोलिया में उस एरिया में एक्चुअली कॉन्फ्रेंस हुई है। किस लिए हुई है, इस कॉन्फ्रेंस का मोटो क्या है, इसका मेन मोटो यही है कि देखो जो भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए गवर्नमेंट अभी स्टेप उठा रही हैं उनका एक तरीके से थोड़ा देखा जाए, उनसे बातचीत हो कि हाँ भाई कितना क्या हो गया, कैसे क्या स्टेप वगैरह कितने, आप बोल सकते हो एक तरीके का रिव्यू वगैरह का काम है वो हो रहा है। देखो आपको बताऊँ, एक आपको बताया कि सेंडाई फ्रेमवर्क आया था, सेंडाई फ्रेमवर्क कब आया था, 2015 से 2030 के लिए, इससे पहले था हो तो प्रोटोकॉल। तो सेंधाई जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर ये प्रावधान गया था कि भाई डिजास्टर है उससे निपटने के लिए हमें कैसे स्टेप उठाने हैं, क्या क्या तैयारी वगैरह करनी है, वो सब काम किए थे। और उसी की अभी रिव्यू करने के लिए कि भाई 3 साल हो गए हैं, क्योंकि देखो 2018 में अभी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, 2015 में सेंधाई फ्रेमवर्क का है, तो 2015, 16, 17, 18 तो ये 3 साल हो गए ना, इन सालों में देखा जाए कि काम हुआ क्या है, कितना क्या हुआ, उसके लिए एक्चुअली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो की गई है मंगोलिया में। तो ये चीज़ कंटेक्स्ट हो जाता है हमारे लिए, किसने की है, यूएन के ऑफिस है, कौन, यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन का, उस ऑफिस ने ऑब्वियसली मिलकर इसको किया है, मंगोलिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको स्टार्ट है वो किया है। थीम क्या हो जाती है, थीम है प्रिवेंटिंग डिजास्टर रिस्क प्रोटेक्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थीम थोड़ी ध्यान रख लेना, नाम से खैर पता चल जाएगा। 2005 में देखो ये कॉन्सेप्ट आया था, 2005 की जो हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, आप बोल सकते हो कि बाई एनुअल जो कॉन्फ्रेंस की गई थी ये की गई थी एशियन द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना एशिया के द्वारा इसको स्टार्ट है वो क्या कहता, इंडिया ने इसका 2007वां एडिशन है वो किया था, मतलब 2005 में ये कॉन्फ्रेंस वो स्टार्ट हो गई थी। हर साल एक्चुअली नॉर्मली कॉन्फ्रेंस होती रहती है, और 2007 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इंडिया ने होस्ट की थी, तो ये ध्यान कि इंडिया ने पहले होस्ट किया, इसके बाद इंडिया ने अभी तक होस्ट इसको नहीं किया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती हैं, यूपीएससी पूछ सकती है कि 2018 की कॉन्फ्रेंस भाई इंडिया ने केवल 2007 में की थी। तो एक बार आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हो तो फिर आपको दोबारा कंफ्यूजन होने की जरूरत है वो नहीं है। आगे देखते हैं हम सेंडाई फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क है वो डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन के लिए आया था 2015 से 30 के लिए। देखो इससे पहले था ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ था होग्यो प्रोटोकॉल, होग्यो फ्रेमवर्क। तो होग्यो फ्रेमवर्क इसलिए था कि भाई डिजास्टर रिस्क है उससे निपटा कैसे जाएगा इसके लिए किया गया था, बट ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, बाकी वर्ल्ड की सभी कंट्रीज ने काफ़ी अच्छे स्टेप उठाए थे इसके लिए, बहुत बढ़िया काम हुआ था। इसीलिए 2015 के बाद जो नया आया था फ्रेमवर्क वो आया था सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई है वो एक जापान की एक सिटी है और वहाँ पे इस फ्रेमवर्क को डन है वो किया गया था, तो ये ध्यान रखना है। जापान में 2015 में किया गया था यूएन की जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दौरान इसकी बात डन हुई थी। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, और हाँ आपको जो PDF है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप वेलकम UPSC की साइट पे जाके साइट में एक डाउनलोड का बॉक्स आता है वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। साइट प्रॉपर काम कर रही है तो वहाँ से अब आपको इशू नहीं होगा। इसके साथ ही आप PDF है वो जो फेसबुक पेज है वेलकम UPSC का नाम से ही है, वहाँ पर भी आपको PDF वो डेली मिल जाती है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।